माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने की प्रक्रिया जारी है। जैसी सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी, हार्ड कॉपी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की लीगल कार्रवाई बढ़ाएंगे। कब तक ये कॉपीज दी जाएगी? प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको दी जाएगी और इसमें मैंने अपने नाम से अप्लाई किया है और सुधीर त्रिपाठी जी ने, तो हम दोनों लोगों ने अप्लाई किया इसके सर्टिफाइड कॉपी के लिए। जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है विष्णु जी कि आज कॉपी मिल सकती है? पूरी उम्मीद है आज कॉपी मिल सकती है और हम लोग जो लीगल कार्रवाई है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उसकी फीस जमा होगी, सर फॉर्मेलिटी हो गई? सारी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, फॉर्मेलिटीज काफी लेयर में चलती है सर्टिफाइड कॉपी की, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं और जैसी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। अरे विष्णु जी, अगर ये मिल जाती है तो आपत्ति के लिए फिर कब तक का समय? 6 फरवरी की डेट निर्धारित की है माननीय न्यायालय ने और उसके बाद अभी उसमें टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। पहले हम लोग सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उसका अध्ययन कर लें, फिर देखेंगे उसमें क्या आपत्ति देनी है। तो आपत्ति फिर 6 फरवरी को होगी? कोई जरूरी नहीं है हम आपत्ति दें, अगर रिपोर्ट सही है तो आपत्ति देने की जरूरत नहीं आती है, पर ये सारी बातें एक बार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही क्लियर होंगे। मतलब कुल मिला के इसके बाद अगर रिपोर्ट मिलने के बाद जो अगली सुनवाई होगी वो 6 फरवरी को? जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको देने का अधिकार है, कोर्ट ने उन्हीं को दिया है। तो प्लेंटिफ नंबर 225 के 3 वकील हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन। तो हम लोगों ने कॉमन तरीके से अप्लाई की है सर्टिफाइड कॉपी और जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। आज हम लोग ने आज उसकी नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, नकल मिल जाएगी तो उसको पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके खिलाफ उसकी ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। क्या लगता है कब तक नकल आपको? नकल तो कल से बंद है, 3 दिन से सोमवार से पहले तक प्राप्त नहीं पाएगी। आज भी संभावना है कि आज हम लोगों को नहीं मिल पाएगी, उन लोगों को सहायता मिल जाए उम्मीद कम लगती है, लेकिन बहुत बड़ा बंच है ना, तैयार करना आसान नहीं। आप लोगों ने हम लोग ने प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन उस पर माननीय जनपद न्यायाधीश ने कोई आदेश नहीं दिया, सिर्फ ये आदेश कर दिया कि सबको जो कानूनी प्रक्रिया है नकल लेने की उसके मुताबिक सबको एसआई रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दिया जाए। बिना शर्तों के उन्होंने आदेश दिया, अब सार्वजनिक कर करें ना करें उन लोगों का काम है, जो लो लेंगे कुछ अच्छा बुरा होगा तो वो उसको देखेंगे, हम लोग तो सार्वजनिक नहीं करने जा रहे हैं।